हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग क्या चीजें पढ़ते हैं, क्लास 9th में भी आप सभी लोगों ने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जो है वो दिया गया। जब सबसे पहले बात ये आई कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है और इन्हीं पार्टिकल्स को भिन्न भिन्न फिलोसफर्स ने भी और जॉन डाल्टन ने भी एक नाम दिया जिसका नाम था एटम। तो ये बताया गया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस बट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ऐसा डाल्टन का कहना था, जिसको डाल्टन्स थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये थ्योरी जो थी वो 1808 में आई थी। अभी 1808 तक ये बात क्लियर थी कि एटम जो है वो किसी भी मैटर का वो सूक्ष्मतम कण होता है जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये फर्दर डिवाइडेड नहीं हो सकता है। लेकिन लेकिन कुछ समय बाद थॉमसन के द्वारा ये बात डिक्लेयर की गई कि एटम जो है वो अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर तो है बट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इट बिकम क्लियर दैट एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इन तीन पार्टिकल्स के अंदर जो है वो ये डिवाइडेड हो सकता है। तो अभी कैसे इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई इसके बारे में आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा, प्रोटॉनों की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, न्यूट्रॉनों की डिस्कवरी के बारे में भी पढ़ा। तो ये सारी चीजें हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी क्लास 11th में इसको और थोड़ा एक्सप्लेनेटिव मोड में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की डिस्कवरी के बारे में, कैसे इनकी डिस्कवरी की बात आई, कैसे ये बात दिमाग में आई कि एटम जो है वो फर्दर डिवाइडेड हो सकता है, या ये पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ है या प्रोटॉनों से बना हुआ है या न्यूट्रॉन भी इसके अंदर पाए जाते हैं, इन सारी चीजों की बात हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज जानना यह है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम क्यों पढ़ें, क्या रीजन है कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना चाहिए, क्या कारण है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ें जबकि पूरे के पूरे केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो फिर हम क्यों पढ़ें? तो केवल इसलिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ते हैं और पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो होती है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों से रिलेटेड होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार के रिएक्शन की क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी केमिकल प्रोसेस हो, इन सारी केमिकल प्रोसेसेस में इलेक्ट्रॉनों का अपना एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन होता है। दैट इज व्हाई इट बिकम नेसेसरी टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर प्रॉपर्टीज and what kinds of nature an electron have and what types of properties shown by an electron. तो ये सारी चीजें पढ़ने हमारे लिए आवश्यक हो जाती हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग structure of atom के अंदर पढ़ते हैं, ये देखते हैं कि atom में electronों की position क्या होती है, कैसे ये electrons जो होते हैं वो अपनी properties को elaborate करते हैं किसी भी atom के अंदर। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग इस चीजों पे डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि जो किसी भी एटम के अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं जिनसे मिल करके एटम बना होता है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हुए, कैसे इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी की बात आई, कैसे प्रोटॉनों की डिस्कवरी की बात आई और फिर न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुए, किन्होंने इनकी डिस्कवरीज की और किन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड किया, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों की प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, इनके मॉस क्या है, इनका ई चार्ज कितना है और मॉस और चार्ज का जो रेशियो होता है वो कितना होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं जबकि प्रोटॉन्स जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं और न्यूट्रॉनों का बिहेवियर एटम में कैसा होता है। फिर जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की डिस्कवरी की बात हो जाती है तो दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटम में कैसे अरेंज होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर इनकी लोकेशन क्या होती है, इनकी पोजीशन क्या होती है, कहाँ पे ये होते हैं
और इनका क्या रोल होता है, तो ये सारी चीजें जानने के लिए हमें एटम के मॉडल को पढ़ना पड़ता है। हम लोग देखेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला मॉडल जो कि आप लोग नाइन्थ में भी पढ़े हो वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सर जेसे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया, पहला एटॉमिक मॉडल इन्हीं का आता है जो वाटरमेलन मॉडल भी कहलाता है, तो कैसे एटम की संरचना होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और किन किन जगहों पे इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हालांकि जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वो फ्लॉप हो गया, थॉमसन एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बारे में नहीं बता पाए, इसलिए थॉमसन का मॉडल जो था वो कंप्लीटली फ्लॉप हो गया था। इसके बाद बात आती है रदरफोर्ड के मॉडल की, लेकिन रदरफोर्ड का जो मॉडल था उससे पहले बहुत सारी चीजें आई और उन चीजों के बारे में रदरफोर्ड ने देखा, तो जिसमें उन्होंने सबसे पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया, तो हम लोग इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा रदरफोर्ड ने देखा कि किसी भी एटम के अंदर जो है वो एक सूक्ष्म धनावेशित भाग होता है और एटम का जो कंप्लीट मास होता है वो इसी पॉजिटिवली चार्ज रीजन में होता है। रदरफोर्ड ने इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक नई चीज की डिस्कवरी की जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, तो न्यूक्लियस की जब डिस्कवरी हो गई अब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया और अपने एटॉमिक मॉडल में उन्होंने न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताई, जबकि ये बताया कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। बाद में ये पता चला कि प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं और ये कंबाइनली मिल करके क्या बनाते हैं, मास बनाते हैं किसी भी एटम का, यानी एटॉमिक मास को डिसाइड करते हैं। फिर अभी यहाँ पे रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर भी बहुत सारी कमियां थी, तो इन कमियों के कारण रदरफोर्ड का मॉडल भी जो था वो डिस्कार्डेड हो गया। अब ये माना जाने लगा कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बारे में या उनकी लोकेशंस के बारे में जानना है तो इलेक्ट्रॉनों के नेचर के बारे में जाने, और इलेक्ट्रॉनों के नेचर को देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरफ से बिहेव करते हैं, तो क्या नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, और इस चीज की स्टडी की गई वेव थ्योरी के आधार पर, वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशंस के आधार पर। लेकिन बाद में ये पता चला कि जो वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशंस है ये भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की थ्योरी थी ये फ्लॉप हो गई, तो इसके भी लिमिटेशन डिसाइड हो गई। अभी बाद में क्या किया, मैक्स प्लांक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी और मैक्स प्लांक ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये पार्टिकल नेचर की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो पार्टिकल नेचर की होती हैं, तो इन्होंने पार्टिकल्स के आधार पे एक क्वांटम थ्योरी प्रस्तुत की जिसको हम लोग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कैसे प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी जो है वो आई। फिर इतनी चीजों के आ जाने के बाद तक बोहर आते हैं और बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया, हालांकि बोहर का एटॉमिक मॉडल जो था वो बहुत ज्यादा एलैबोरेट था, बहुत मॉडर्न था, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनों के नेचर होते हैं वो बोहर ने एक्सप्लेन कर दिए थे, लेकिन फिर भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स के आधार पर जब इरविन श्रोडिंगर आए, इरविन श्रोडिंगर ने बोहर के एटॉमिक मॉडल को डिस्कार्डेड कर दिया, क्योंकि बोहर के एटॉमिक मॉडल में एक जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, जबकि क्वांटम थ्योरी के आधार पर श्रोडिंगर ने यह देखा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, कोई ऐसी बाउंड्री, कोई एक फिक्स बाउंड्री नहीं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं। यहां तक कि श्रोडिंगर ने 3D स्ट्रक्चर बना करके देखा और इन्होंने क्या कहा कि किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ वो 3D स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है वो ऑर्बिट कहलाता है, उसे ऑर्बिट कहते हैं। देयर इज नो पर्टिकुलर बाउंड्रीज इन विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी हेल्ड।
जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है, इसलिए बोहर का मॉडल भी यहाँ डिस्कार्डेड हो गया। अब जो बात आती है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे आती है, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में श्रोडिंगर ने जो है वो सारी चीजें क्लियर कर दी थी। क्वांटम थ्योरी में तीन जो है वो मैजिक नंबर्स की बात आती है जिनको क्वांटम नंबर्स कहते हैं, और ये क्वांटम नंबर्स किसी भी इलेक्ट्रॉन के सभी बिहेवियर को, किसी भी एटम के अंदर उसकी पोजीशन को, उसकी लोकेशन को सब एक्सप्लेन कर देते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहीं पे फिनिश हो जाता है। फिर बात आती है कि इलेक्ट्रॉनों के जो अरेंजमेंट हैं उनके पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स में, उनकी शेल्स में, सब शेल्स में वो कैसे होते हैं, तो इसके लिए पाउलीज का जो है वो प्रिंसिपल आता है, आफबाह का प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे कि आफबाह ने कैसे ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स के क्रम में अरेंज होते हैं। और फिर बात आती है हुम्स रूल की, और हुम्स रूल तक पढ़ने के बाद हम लोगों का ये चैप्टर जो होता है वो फिनिश होता है। इसके बाद केवल हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं जो हमें ये बताते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एटम में इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट कैसे होता है, किस किस सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और अगर किसी भी पर्टिकुलर एटम की बात की जाए तो उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के आधार पर हम क्लियर कर सकते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कंप्लीट लेसन प्लान था आपके इस चैप्टर का जो हमें स्टेप टू स्टेप पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम लोगों को पढ़नी है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी कैसे हुई और इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इस चीज को जानने के लिए थोड़ी सी हम लोगों को हिस्ट्री जाननी होगी। इलेक्ट्रॉनों की जो डिस्कवरी थी वो कोई भी एक ऐसी चीज नहीं थी कि जो खोजी जा रही थी। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी हो जाना एक कोइंसिडेंस था, एक संयोग मात्र था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी हो गई। कैसे हो गई इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी, तो देखो सबसे पहले विलियम क्रुक्स की बात आती है। विलियम क्रुक्स उस समय में इस बात की स्टडी कर रहे थे कि व्हाट इज द रीजन व्हाई गैसेस कैन नॉट बी आयनाइज, क्या कारण है कि हम गैसों को आयनाइज नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द रीजन व्हाई गैसेस आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या कारण है कि गैसें जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होती हैं, वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर नहीं होती है, वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पार नहीं होने देती हैं, इसका रीजन क्या है। तो इस चीज की स्टडी के लिए इन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या चीजें थी, एक ग्लास की ट्यूब थी, इस तरह से एक ग्लास की ट्यूब थी, और इस ग्लास की ट्यूब में यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा हुआ था। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, ये दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, और इन इलेक्ट्रोडों को एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया गया था, एक हाई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा गया था, इस तरह से इनको जोड़ दिया गया था। अभी जो इलेक्ट्रोड लगाए गए तो ये जो था वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, जबकि ये क्या था पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी ये एनोड था और ये क्या था कैथोड था। इसी को क्या कहा गया, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब थी, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब थी। इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब को बनाया किसने था, इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब को जूलियस प्लकर ने बनाया था 1859 में। तो दिस डिस्चार्ज ट्यूब, दिस डिस्चार्ज ट्यूब इज मेडअप या दिस डिस्चार्ज ट्यूब वॉज मेड बाई जूलियस प्लकर, ये जूलियस प्लकर ने बनाया था, कितने में बनाया था 1859 में। और इस चीज पे डिस्कवरी कौन कर रहा था, विलियम क्रुक्स। किस बात की डिस्कवरी कर रहे थे कि गैसें जो होती हैं वो आयनाइज क्यों नहीं होती हैं, या गैसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर क्यों नहीं होती। तो इन्होंने क्या किया,
विलियम क्रूक्स और उनकी जो साथी लोग थे उन्होंने इस ट्यूब में एक गैस भरी। इस वैक्यूम पंप के द्वारा उसका प्रेशर जो था वो प्रेशर डिसाइड किया और उस प्रेशर को डिसाइड करने के बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। तो वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पर इन्होंने देखा कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। फिर इन्होंने क्या किया, इस वैक्यूम पंप से इसका प्रेशर घटाया और इसको 10 टू द पावर -2 एटमॉस्फेयर किया। तब इन्होंने देखा कि अगर प्रेशर घटाया जाए तो ऐसी कंडीशन में एक वेरी फैंट स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखाई दी इस ट्यूब के अंदर। फिर इन्होंने इसके प्रेशर को और घटाया और 10 टू द पावर -4 एटमॉस्फेयरिक प्रेशर जब किया तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि कैथोड की तरफ से कुछ रेज जो है वो निकलती है और जो एनोड की तरफ जाती है और एनोड की तरफ जा करके इसके पीछे जा करके एनोड के पीछे लुप्त तो हो जाती है। इस चीज को देख करके जो विलियम क्रूक्स थे उनका तो एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, उनका ऑब्जर्वेशन पूरा हो गया, उनका रिजल्ट निकल गया कि इफ वी डिक्रीज द प्रेशर ऑफ द गैस द गैसेस कैन बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास थ्रू द गैसेस व्हेन वी रिड्यूस द प्रेशर ऑफ अ गैस। अगर गैस के प्रेशर को हम घटाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास हो सकती है, वो गैसेस जो है वो कंडक्टर हो सकती है। तो एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, रिजल्ट मिल गया। लेकिन क्रूक्स के इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो उनके फेलोज थे, जो उनके कॉम्पेनियंस थे, उसी में एक थे सर जेजे थॉमसन। सर जेजे थॉमसन के माइंड में ये बात स्ट्रक कर गई कि ये जो कैथोड से निकलने वाली रेज हैं, ये एक्चुअल में है क्या, ये कैथोड की रेज क्या है। इस चीज को, ये चीज को जानने के लिए कि ये जो कैथोड से निकलने वाले रेज हैं ये किस चीज से बनी हुई है, इनका नेचर क्या है, क्या ये सभी प्रकार के गैसों में निकलेंगी या फिर केवल पर्टिकुलर एक विशेष प्रकार की गैस में ही निकलती है। तो इस चीज को जानने के लिए थॉमसन ने फिर से इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया। फिर इन्होंने इसको रिपीट किया और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को ले करके इन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गैसें भरी और उनके प्रेशर को रिड्यूस करके जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो हर बार उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो नीले रंग की हैं, एनोड के पीछे जाकर ये लुप्त हो जाती हैं। इन्होंने इस एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड पोत दिया। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है जो कि थोड़ी सी भी लाइट पड़ने पर चमकता है। तो इन्होंने देखा कि कुछ किरणें निकल करके इस जिंक सल्फाइड से टूटी हुई पोर्शन पे जाके स्ट्राइक्स होती हैं, वहां टकराती हैं और टकराने के बाद वहां पे प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो उस समय थॉमसन ने इन किरणों को नाम दिया कैथोड रेज, क्योंकि ये किरणें जो थी वो कैथोड से निकल रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी, इसलिए थॉमसन ने इन किरणों का क्या नाम दिया, इन किरणों का नाम दिया कैथोड रेज। बाद में जब इन किरणों के नेचर की और इनके प्रॉपर्टीज की स्टडी हुई तो इनका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो क्या मतलब हुआ कि फर्स्टली द इलेक्ट्रॉन्स discovered by Sir Zeze Thomson and given the name cathode rays। इसका नाम दिया गया cathode rays because these rays comes out from the cathode in discharge tube। ज्यादा हम इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सारी कहानी क्या है वो हमने आपको बता दी कि क्या कहानी होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये। और इसके बारे में 9th में भी पढ़ चुके हैं, तो मेनली जो 9th में हम लोगों ने पढ़ा था वो
इसकी डिस्कवरी तो पढ़ ली थी लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज को क्लियर नहीं किया गया था, तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की प्रॉपर्टीज के बारे में कि इलेक्ट्रॉनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं या कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो डिस्कवरी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि इस चीज को नाइन्थ में भी पढ़ा गया और अभी मैंने सारी कहानी आपको बता दी थी कैसे इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी हुई जो कि एक कोइंसिडेंस था। कोई इस बात को सोच करके इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी नहीं कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन जैसे कोई भी पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर के अंदर होते हैं, इस चीज को हम खोज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि उस समय तक तो जो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वही जो है वो प्रभावी थी और उसी को लोग मानते थे। तो ये एक क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट पे कोइंसिडेंस था जिससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ पार्टिकल्स होता है। तो हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं इनकी, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेज की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग कैथोड रेज की देखते हैं कि कैथोड रेज जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, एज यू नो दैट कि लाइट ऑल्सो ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट भी जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो कैथोड रेज जो होती है ये भी ट्रेवल करती है किसमें, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे इस चीज को जाना गया, तो इसके लिए इसी ट्यूब में जो डिस्चार्ज ट्यूब बनाई गई थी जहां कैथोड लगाया गया था, एनोड लगाया गया था, इनके रास्ते में एक पहिया रखा गया, इस तरह से एक पहिया रख दिया गया ऐसे, और देखा क्या गया कि इसके ऊपर जब रेज आती है तो इस पहिए का एक प्रतिबिंब, एक छाया बनती है इस पहिए की, और ये छाया कहाँ बनती है, इसके पीछे यहाँ पे आकर के एक छाया इस तरह से बन जाती है। तो अगर जो ये रेज होती ये अगर अपने पथ से डेविएटेड होती तो दे डू नॉट कास्ट शैडो, ये शैडो कास्ट नहीं करती। अगर कोई भी चीज जो है वो शैडो कास्ट करती है इट मींस इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा में चलती है। तो यही इस चीज का प्रूफ है, क्या चीज कि कैथोड रेज कास्ट ए शैडो, कैथोड रेज कास्ट ए शैडो ऑफ व्हील ऑन इट्स पथ which prove that it travels in the straight line। जो इस बात को प्रूव करती है कि जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, क्योंकि जब कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो वो उसकी शैडो को कास्ट करती है। तो पहली प्रॉपर्टीज तो यही थी। अगर हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि वन कैथोड रेज फोर्स्ड ऑन ए थिन मेटल फाइल, thin metal foil, it gets heated up to incandescence। मतलब क्या हुआ कि जब कैथोड रेज को किसी भी पतली से मेटल फॉइल पे हम लोग फोर्सली स्ट्राइक कराते हैं तो वो मेटल फाइल जो होती है वो हीट हो जाती है, हीट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रेज के अंदर हीटिंग इफेक्ट पाया जाता है। व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन द थिन मेटल फाइल, तो द थिन मेटल फाइल्स बिकम हॉट।
तो दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि इसके अंदर हीट करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तीसरी क्या चीज है कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कैथोड रेज जो होती है वो मटेरियल पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। इट मींस इट हैज सम मास। कैसे पता चला कि इस पूरी ट्यूब के अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर जो हमने व्हील लगाई थी, अगर ये एक्सल व्हील हो जो रोटेट कर सकता हो, तो जब भी ये कैथोड रे इससे टकराती है तो ये व्हील रोटेट करने लगता है। इस व्हील के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है जो इस बात को प्रमाणित करता है, क्या चीज, कि कैथोड रेज जो है वो मटेरियल पार्टिकल से बनी होती है और इनका कुछ जो है वो क्या होता है, इनका कुछ मास होता है। तो जितने मटेरियल पार्टिकल्स होंगे जिनका कुछ मास होगा वो जब किसी भी एक्सल व्हील से टकराएंगे तो उसके अंदर मोशन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी वस्तु के अंदर मास है तो वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो हम लोगों ने पढ़ा भी है न्यूटन सेकंड लॉ में कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। तो अगर मास है तो उसके अंदर फोर्स होगा, वो फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा जिसकी वजह से ये एक्सल व्हील जो होता है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। तीसरी चीज ये हो गई। चौथी प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो चौथी प्रॉपर्टी में क्या पता चलता है कि अगर मान लो कि इन कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराते हैं, मान लो कि ये जो ट्यूब है जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने यहाँ क्या लगाया, कैथोड लगाया, कैथोड लगाने के बाद यहाँ प्लेट्स लगा दी, ये प्लेट्स जो होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये कैसी है, नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दें, यहाँ पे स्क्रीन लगा दें, ये स्क्रीन जो होगा वो फ्लोरोसेंट होगा, यानी छोटी सी भी लाइट इस पे अगर पड़ती है तो ये लाइट क्या करेगी, जो थोड़ी सी भी लाइट पड़ेगी तो ये लाइट जो होगा वो इस पे अपनी शाइन प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ एनोड बना देते हैं, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, और इसको हम लोग क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे, इस तरह से ऐसे बैटरी से जोड़ देते हैं, ये एनोड हो गया। यहां से क्या होता है, यहां से कैथोड रे निकलेंगी जो एनोड के पीछे जाएंगी, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ती है तो इट डेविएट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ये कैथोड रेज जो होती है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएटेड हो जाती है। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएशन इस बात को शो करता है कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड इन नेचर, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होगा वही पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएटेड होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ रिपल्सन क्रिएट होता, तब ये पॉजिटिव प्लेट से डिफ्लेक्टेड होती, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएटेड हो रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये जो कैथोड रेज है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, when electric field is applied, when electric field is applied on a stream of cathode rays it deviated towards the positive plate, which shows that cathode rays are negatively charged in nature. कैथोड रेज जो है वो नेचर में कैसी होंगी, नेगेटिवली चार्ज होंगी। अगर इनका डेविएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ होता है तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये नेगेटिवली चार्ज है।
अगली प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखेंगे, अगली प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे कि अगर इन कैथोड रेज को हम मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं तो, यानी इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर कैथोड रेज को हम मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये किधर रिफ्लेक्टेड होंगी, ये नेगेटिव पार्टिकल्स की तरफ डिफ्लेक्टेड होती है। यानी अगर इसको कैथोड रेज को देखें हम तो ये मैग्नेटिक फील्ड में किधर डिफ्लेक्टेड होंगी, उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्टेड होती है जिसमें नेगेटिव पार्ट को डिफ्लेक्टेड होना चाहिए। तो उससे भी ये पता चल जाता है कि कैथोड रेज जो है वो किससे बनी हुई है, कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, तो व्हेन कैथोड रेज पासेस फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इट डेविएटेड टुवर्ड्स दोज प्लेट इन विच एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स should be deviated। ये उस प्लेट की तरफ deviated होती है जिधर एक नेगेटिव पार्ट चार्ज पार्टिकल्स होता है वो deviated होता है। तो इससे भी एक क्लियर हो जाता है कि जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। अब अगर हम लोग देखें कि अगर ये जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों पर जब ये टकराती है तो ऐसी कंडीशन में ये ग्रीनिश कलर की लाइट प्रोड्यूस करती है। तो कैथोड रेज व्हेन स्ट्राइक्स ऑन द walls of discharge tube, on the walls of discharge tube it produces greenish light behind the anode। ये एनोड के पीछे जो है वो ग्रीन कलर की लाइट को प्रोड्यूस करती है। तो कैथोड रेज जो होती है वो गैसों को आयनाइज करती है जिसके थ्रू ये पास करती है। यानी कैथोड रेज के अंदर आयनाइजेशन कैपेसिटी पाई जाती है। कैथोड रेज आयनाइज द गैसेस थ्रू विच इट पासेस, जहां से होकर के ये गुजरती है उन गैसों को ये आयनाइज कर देती है। इसके साथ साथ कैथोड रेज जो होती है, कैथोड रेज एक्स रेज प्रोड्यूस करती है। कैथोड रेज प्रोड्यूसेस एक्स रेज, ये एक्स रेज प्रोड्यूस करती है कैसे, when they strikes with the metal, when they fall on a metal surface, जब किसी भी metal surface पर ये गिरती है तो ये X-rays produce करती है। और ये X-rays वही X-rays होती है जिनके द्वारा हम body parts के अंदर होने वाले टूट फूट का एक image प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ cathode rays जो होती है वो थिन मेटल फॉइल्स को पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट अ थिन मेटल फॉइल्स के आर पार होकर के ये गुजर सकती हैं। तो ये सारी जो है वो प्रॉपर्टीज है। अभी इसमें एक प्रॉपर्टीज जो है वो बच गई, क्या चीज,
कि जो E by M रेशियो है, E by M रेशियो मतलब क्या हुआ कि चार्ज by mass रेशियो, चार्ज by mass जो रेशियो है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम लोग चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, तो इन सारी चीजों को हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। कल हम लोग इलेक्ट्रॉनों के E by M के रेशियो को कैलकुलेट करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है यानी कैथोड रे पर चार्ज कितना होता है इस चीज के बारे में देखेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि जो मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था वो क्या था और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिलिकन्स क्या चीज बताना चाह रहे थे। तो फिर हम लोग बात करते हैं इन सब चीजों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप लोग इन सारी चीजों को प्रिपेयर करिए और अपने नोट्स अपने बनाते रहिए, अपनी कॉपी पे इस चीज को नोट्स करते रहिए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना हाथ अच्छे से धोना, लेट्स रोको कोरोना। Don't